ये इसकी जो सरकार है हाँ। इसकी जो सरकार है ये हाँ। सरकार नहीं है अभी ठीक हाँ। बोले सर्कस में है हाँ। एक आता है जेल हाँ। दूसरा जाता है हाँ। एक निकलता है फिर हाँ। फिर बाहर दूसरा आता है हाँ। तीसरा जाता है चौथा जाता है ये सर्कस चला रहे हैं हाँ। सरकार नहीं चला रहे हैं हाँ। और आ गई बात यहाँ के विधायक बाप बेटा कंपनी हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बाप बेटा कंपनी बाप बेटा कंपनी को अभी स्विच ऑफ करके रखेंगे मनोज यादव के खिलाफ किनको खड़ा करें आधा पाधा चल रहा है इन लोग के बीच में आधा पाधा तो माँ शंकर जी को टिकट नहीं मिल रहा आप लोग कह रहे हैं क्लियर हुआ है ये है हरला का 24 घंटे का टाइम बचा है नॉमिनेशन का कर देना क्लियर अभी यहाँ इन लोग को खोज नहीं पा रहा है टिकट कटेगा क्या कट सकता है कि इनको जो है सो टिकट ना मिलने से बोलते कि हम नहीं बचेंगे अब हमको टिकट मिलना चाहिए नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे दरअसल ऐसा कहाँ बोलेंगे फांसी लगा लेंगे जैसा सुनने को मिलता है आज तक टिकट कंफर्म नहीं है सुनने को मिला था आप बोल दीजिएगा बोले कि फांसी लगा लेंगे नहीं आज तक कंफर्म नहीं हुआ है कि अकेला जी को टिकट आज के डेट में नॉमिनेशन उनका नहीं हुआ सच्चाई यह है कि अकेला जी इतना समर्पित व्यक्ति थे कांग्रेस का तो उनको टिकट मिलना चाहिए था जब है जब समर्पित था पहले भाजपा में थे फिर कांग्रेस में चले गए क्या समर्पित कहाँ कोई है नहीं ये तो उनको मिलना चाहिए ना उनको टिकट मिलना चाहिए था कहने का मतलब ये दोनों बाप बेटों ने क्षेत्र को लूटने का काम किया जनता को जो है सो गुमराह करने का काम किया और जनता हूबहू जान रही है कि इस बार मनोज यादव को बहुमत प्रचंड में वोट देना है और उनको जिताना है आगे समय में हम लोग मनोज यादव को जिता रहे हैं है ना 100% और जनता भी जान रही है कि इस बार मनोज यादव को जिताना है क्षेत्र का तभी विकास होगा बीजेपी की सरकार रहेगी तो सेंट्रल में भी सेंट्रल में जो हमारे वाजपेयी जी का सरकार है चलिए एक और है हाँ आ रहे आ रहे आ रहे एक युवा नेता है उप मुखिया है आप भाजपा की क्या स्थिति है यहाँ बताइए भाजपा की क्या स्थिति है आज हम उप मुखिया है पंचायती राज से जुड़े हुए हैं ब्लॉक में डेली जाना आना होता है भाजपा की स्थिति उन सभी मुखिया हो गए उप मुखिया हो गए वार्ड सदस्य हो गए उनसे जो जनता से लगातार जो जुड़ते हैं उनसे पूछिएगा ना आप अच्छा पूछिए अभी मुखिया लोग के पास में कोई काम नहीं दे रहा है भाजपा जेएमएम सरकार कोई काम नहीं दे रहा है आप देखिएगा नली गली सब पेंडिंग पड़ा हुआ है लगाया है पानी का जल नल का योजना का लेकर के सब खाली पड़ा है ऐसा कोई काम बताइए कि काम हो रहा है आप भाजपा के काम नहीं गिनाइए भाजपा का आप ये नहीं बोलिए कि क्या करना है इसको पूछिए कि आपने क्या क्या किया 5 साल में क्या क्या किया हम लोग को लोग जनता हम राइट बात करता है कि हम लोग ये कहते बीजेपी काम नहीं करने देती है हम लोग को साजिश करके जेल भेज देती है काम उन लोग जानते हैं ना हाँ, ये जो हाँ, ये इसकी जो सरकार है हाँ, इसकी जो सरकार है ये हाँ, सरकार नहीं है अभी ठीक हाँ, बोले सर्कस में है हाँ, एक आता है जेल हाँ, दूसरा जाता है हाँ, एक निकलता है फिर हाँ, फिर बाहर दूसरा आता है हाँ, तीसरा जाता है चौथा जाता है ये सर्कस चला रहे हैं हाँ, सरकार नहीं चला रहे हैं हाँ, और आ गई बात यहाँ के विधायक बाप बेटा कंपनी हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बाप बेटा कंपनी बाप बेटा कंपनी को अभी स्विच ऑफ करके रखेंगे बाप बेटा आज देखिए ना आज पूरा बड़ी विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी हुए हम लोग आदरणीय हमारे नेता मनोज कुमार यादव इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए पूरी कांग्रेस की टीम को यहाँ से लेके दिल्ली तक लग गई है कि इसके खिलाफ इनके खिलाफ मनोज यादव के खिलाफ किनको खड़ा करें आधा पाधा चल रहा है इन लोग के बीच में आधा पाधा तो माँ शंकर जी को टिकट नहीं मिल रहा आप लोग कह रहे हैं क्लियर हुआ है ये है हरला का 24 घंटे का टाइम बचा है नॉमिनेशन का कर देना क्लियर अभी यहाँ इन लोग को खोज नहीं पा रहा है टिकट कटेगा क्या कट सकता है कटेगा तो खुशी होंगे या लगेगा कि ठीक कटाइए बताइए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मनोज कुमार यादव को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई भी आ जाए माँ शंकर अकेला है चाहे कोई भी आ जाए कोई भी आ जाए मनोज कुमार यादव के बरही की जनता ने ठाना है मनोज यादव को लाना है आप अभी रुकिएगा फिर रुकिएगा हाँ बताइए भाजपा की क्या स्थिति है बरही में इस बार कांग्रेस दावा करी जेएमएम की इस बार तो हम लोग 60 पार कर रहे हैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं मैं अशोक यादव हम लोग आज मनोज यादव के साथ लगभग 30 साल से हम लोग इनके साथ में हैं और इनका जो यहाँ पर कार्यकाल रहा पिछले 20 साल में यहाँ के मतलब हर जनता के मन में और जनता के दिल में ये बैठे हुए हैं
यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक है वो सबसे भ्रष्ट विधायक है पूरे झारखंड में। अगर भ्रष्टाचार में अगर नाम दिया जाए तो सबसे पहला नाम आएगा उमा शंकर अकेला का, और उसका जो बेटा भी है उसका नाम है रवि अकेला। जब से वो बाप से ज्यादा बेटा को मतलब आरोप लगा रहे हैं, क्या है ऐसा? मतलब आप लोगों ने बैठ के रणनीति बनाई है क्या कि उनके साथ बेटों को भी मतलब उनके बुराई पे लपेटना है? ऐसा नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। उनका जो क्रियाकलाप है जो रहा है 5 वर्ष में, उसमें उसका बेटा तो है ही, उसका बाप भी कम नहीं है। वो यहाँ पर गौ तस्कर, शराब माफिया, यहाँ का मतलब बच्चे बच्चे लोग, डोडा, बहुत अफीम, ये सारा कारोबार उसी के अंदर चल रहा है। और भाजपा की सरकार आएगी तो क्या ये अफीम वाला जो ये सब रुक जाएगा? एकदम 100% रुक जाएगा। और यहाँ के जनता इतना पढ़े लिखे जनता है, समझदार लोग हैं कि इसके तरह जागे नहीं, ये बढ़ावा ये दे रहा है। अभी वर्तमान विधायक के चलते ऐसा हो रहा है। तो चलिए, हाँ ठीक है। कल्पना सोरेन के बारे में करिए कि कल्पना सोरेन शेरनी है ना, जिस लोकसभा में 5 आदिवासी सीट से सफाया हुआ, भाजपा का इस बार सफाया हो जाएगा, क्या कहिएगा ये बताइए। अगर कल्पना सोरेन शेरनी होती तो पति को जेल जाने से पहले फील्ड में आती, तब जानते कि शेरनी थी। और ये जो मैया समान योजना निकाला है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद जब लिए थे उस समय से अगर मैया समान योजना निकालते तब जानते कि वो शेरनी थी और ये शेर थे। पति को जेल जाने के बाद वो फील्ड में आया कि अब मेरा पति का जो स्थिति है खराब हो गई, अब हम जाकर को शेरनी बनेंगे और चाहे तो शेर बनेंगे। शेरनी नहीं, आप देखिएगा चुनाव का बाद जब रिजल्ट आएगा तो चूहा बनकर को निकलेगी। इरफान अंसारी को जानते हैं ना? इरफान अंसारी को कैसे नहीं जानेंगे? वो जानते हैं, जाम तड़ा, बोल रहे हैं कि हम भाजपा का सफाया है, कल चुनाव करा ले जब करा ले, यहाँ भाजपा बाहरी आप लोगों को बता देते हैं भाजपा कार्यकर्ता को। अगर 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 इरफान अंसारी, चाहे इरफान अंसारी का सरकार अगर सही है और हमारे बड़ी विधानसभा का विधायक अगर बढ़िया विधायक है तो आज तक टिकट क्लियर क्यों नहीं किया पूरे उम्मीदवार? इरफान अंसारी के अच्छे दोस्त उमा शंकर अकेला जी, वो दोस्त रहने से क्या होगा? दोस्त रहने से नहीं होगा, भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार ही दोस्त रहेगा ना। उमा शंकर अकेला यादव एकदम भ्रष्टाचार है, एकदम भ्रष्टाचार है। हम भी उमा शंकर अकेला यादव के साथ में 2009 से 2021 तक उनका नेतृत्व किए, उनका कार्यकर्ता रहे, लेकिन हम लोग के साथ में शोषण किया गया। हम लोग मतलब जितना लोग आ रहा है सब बोल रहा है पहले उमा शंकर जी के साथ थे, अब इधर आ गए थे, कुछ तो थे दुए को बोले, हम तो थे 2009 से 2021 तक उनके साथ थे। उमा शंकर अकेला यादव का यही सिद्धांत है कि जैसे सब्जी में तजपत्ता को पहले जलाया जाता है उसी तरह से कचकर्ता को जला करके और फेंक देना है। जैसे तजपत्ता को फेंका जाता है खाने से पहले तजपत्ता को फेंक दिया जाता है, उसी तरह से उमा शंकर अकेला यादव अपने वोटर इस बार कितना सीट सीधा बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में कितना सीट 81 में ये बताइए। 81 में विधानसभा सीट हमारा इंडिया गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का 60 से प्लस आएगी। ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं होगा ज्यादा। सही मतलब बोलिए ना, कितना सीट आ जाएगा? ज्यादा नहीं होगा, फुल बहुमत से भी ज्यादा ओवर से हम लोग जीतेंगे। ये सब सीट तो ठीक है, ये सामान्य सीट तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो आदिवासी के लिए रिजर्व सीट है उस पे तो आप लोगों का सफाई हो गया, ये बताइए पिछली बार। ऐसा नहीं है, आदिवासी का जो जहाँ जहाँ आदिवासी सीट है आज देख सकते हैं झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ भी ये सरकार कदम उठा करके आदिवासी के नाम पे वोट लेकर के आई जेएमएम सरकार, ये गठबंधन सरकार, और उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा हम लोग सिस्टम में रहते हैं, आंगनबाड़ी, जल सहैया, पंचायत सेवक, मुखिया, उप मुखिया, जितना भी सिस्टम है सबको हड़ताल पर लगवाया है इन लोग, मुझे सभी लोग देखे हैं अपने आंखों से। देखिए आप एक और जवाब दीजिएगा, हेमंत सोरेन बैठे से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देखिए हेमंत के खिलाफ कोई इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, पहले सरेंडर कर दिए हेमंत सोरेन के सामने। वैसा नहीं है, सभी का सेट होता है सिस्टम से, तो जाती है वक्त आना बाकी है। कुछ और लोग कौन लोग बोलना चाहेंगे बताइए। हाँ आप बोलना चाह रहे हैं, चलिए। भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा का प्रखंड चंदवारा से है। अच्छा, मदनगुंडी पंचायत है, ग्राम करंजिया है। ग्राम करंजिया है, ये बताइए क्या बरही में क्या स्थिति है? बरही में स्थिति इस तरह इस ये स्थिति है कि एक भाजपा के एक तूफान आया है। इस तूफान में बाप बेटा का डिग कंपनी उड़ के डायरेक्ट गंगा जी। पहले पता चला बाप बेटा का कंपनी, आप नाम बता रहे हैं, क्या नाम बताए? बाप बेटा का डिग कंपनी। डी कंपनी, डी से तो पहले मुंबई में थंडरबोल्ट दाऊद कंपनी था, डी कंपनी मतलब क्या हुआ? डी का कंपनी डॉन पहला, दूसरा डुप्लीकेट।
डुप्लीकेट डॉन, डुप्लीकेट डॉन जो सिर्फ कार्यकर्ता लोग को, जनता को डराने का काम करता है और कुछ करने का पावर है नहीं। चंदवारा प्रखंड में हम लोग का खुद गांव का है, जल मीनार का काम हुआ है, पूरा गांव में खुदाई सिर्फ कर दिया और सिर्फ बुनियाद करवा दिया, अभी तक न जल मीनार बना है न कुछ हुआ है। जब पता करते तो उसका फंड भी, उसका मतलब जय श्री राम हो गया है पैसा। एक तालाब किया गया है, काम गिनवा रहे हैं, आपको बताया कितना जो है तालाब खुदवा दिए, इतना ये काम करवा दिए, सब गिना। आप उनका ऑन द पेपर देखिए और जमीनी स्तर पर आप जांच कीजिए कि कितना जमीनी स्तर पर उतरा है। ऑन द पेपर तो हम भी कह देंगे हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बनेंगे तभी ना। लेकिन ऑन पेपर पर उनका काम इतना ज्यादा है, उतना ही ज्यादा कम जमीनी स्तर पर काम हुआ है। कितना वोट से जीतेगा यही बताइए। यहाँ पे यहाँ पे हमारे जो आदरणीय भाजपा प्रत्याशी माननीय श्री मनोज कुमार यादव जी हैं, वो लगभग नहीं तो 40 से 50 हजार के अंतर वोट से जीतेंगे। पिछली बार क्यों आ रहे थे? पिछले बार इसलिए आए थे, सभी का व्यवस्थित अपना माहौल अपना अपना होता है। इस बार माहौल और जितना भी लोगों में जो आक्रोश है लोगों का अकेला यादव के खिलाफ, वो आक्रोश काम करेगी और इस बार जो पूरा माहौल माननीय श्री मनोज यादव की जीत के तरफ बना हुआ है, क्योंकि इतना ये भ्रष्ट कर चुका है बड़ी विधानसभा को कि लोग जनता त्राहिम त्राहिम कर रहा है। आप नहीं तो जमीनी स्तर पर जाकर पता करिए, इसका एक और काम रहता है, मतलब लोगों को कार्यकर्ता को झूठी केस में फंसाना और जेल भेजना। तो चलिए, तो हमने यहाँ के लोगों से बात की, तो इन लोगों का जो मेन एजेंड मतलब बीजेपी का अगर आप देखें मुद्दा, तो मुद्दा वो है पिता और खास करके उनके पुत्र पर ये हमलावर हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ, कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे थे आपका चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले उनको भी बोलेंगे, क्योंकि ग्रामीण स्तर में देखेंगे, ग्रामीण स्तर में आप अभी आप लोग जान सकते हैं कि मुखिया के मतलब कुछ मिला नहीं है चपा कलवर, लेकिन विधायक से 5 अपने से दे रहा है हर पंचायत में और 5 मुखिया के खाते में डलवा रही है। लेकिन उमा शंकर अकेला यादव को ये हार्ड सवाल जनता मेरी बड़ी जनता पूछे विधानसभा की कि क्या विधायक जी आपके जो 10 चापाकल थे मेरे पंचायत में लगे या नहीं लगे, मेरे मुखिया को दिए कि नहीं दिए, यदि मुखिया को दिए तो हमारे घर तक आया नहीं, मेरे गांव तक आया नहीं, ये बात पूछे। क्योंकि भैया बताता हूँ क्या सर, मुखिया लोग नाराज है क्या वर्तमान सरकार से? क्योंकि मुखिया प्रभावित करते हैं, पंचायत में वोटर सीधा कनेक्शन होता है तो आप लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो क्या है मुखिया का क्या टेक है? देखिए बात ऐसा है कि 3 सभा जो है, लोकसभा, विधानसभा, इसके बाद बताइए, इसके बाद हम लोग आते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा वो पता है, मतलब ग्राम सभा जो हम लोग हैं जनता के बीच एकदम लगातार निचले स्तर पर जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, सीधे सवाल लोग हम लोग से करते हैं कि हमारे पीने के पानी की दिक्कत है, खाने की। इरफान अंसारी तो आप लोग का मांग पूरा कर दिए रांची में, बोल रहे थे फिर वहाँ पे जो लोग धरना कर रहे थे मुखिया, 3 महीना का महिया पेंशन डाल दिया है सीएम, सरकार डाली है, उससे क्या हो जाएगा? 5 साल कहाँ सुतल था? क्या चुनाव प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अभी हम देखे ना, हम भी हैं बात करेंगे ना, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो हम जो हाँ बस अब फिर बाद में कोई बात कर लेंगे। हाँ जल्दी बोलिए, एक मिनट में बात, एक मिनट। चंदवारा पन का जो मेरा गांव है, जो चप्पा कल इस बार आया है, तो जिसका जिसका नाम से आया था, तो ये अकेला यादव और चंदवारा प्रखंड के जो प्रतिनिधि राजकुमार यादव है, उसका आदेश पर सभी का नाम कटवा करके सिर्फ जो उसका प्योर कार्यकर्ता है सिर्फ उसी के घर के पास, लोगों को नहीं मिला अपना अपना बाउंड्री के अंदर, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला इसलिए नाराज। नहीं, भाजपा कार्यकर्ता नहीं, आप ग्रामीण पता है, ग्रामीण लोग को नहीं मिला। चलिए ठीक है, तो हम जो है बरी विधानसभा में यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, तो इन्होंने साफ तौर पे नशा को लेकर के और उनके बेटे पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगा रहे हैं और जो है करप्शन का मसला उठा रहे हैं। देखते रहे समाचार बाबू।